बड़ी, बात बड़ी लंबी। मेरी गल सुनो सब बहना जरा, तुसी सारे सब तकलीफ रखे, तुसी भट्टी साहब दे जान ते मोहतरे हो? नहीं नहीं, मैं भट्टी साहब ही, और पहले शाफे साहब भी चले गए ने, मैं उन्होंने बारे भी गल करनी है। शौकत भट्टी साहब जी, जी जी आफर साहब प्लीज कैरी ऑन। मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। अभी मोहतरम शाफे हुसैन साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो कह रहे थे कि पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कभी भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए, वो काम नहीं करने चाहिए। अच्छा जी, मैं नाम नहीं लेता जी, मोजिस मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, तो गुजरात में जिस तरह इस इलेक्शन में मर्द हजरात जेलों में थे और दो खवातीन, निहत्ती खवातीन सुमेरा इलाही और कैसरा इलाही इलेक्शन लड़ रही थी, तो रिजल्ट लेने के लिए भी पुलिस के स्क्वाड्स में गए थे, क्योंकि अवाम तो उनके साथ खड़े थे। बात करते हैं, बात वो करें जो जिसकी कोई दलील दे सके, जिसका कोई सबूत पेश कर सकें। मैं वैसे जिस दिन हलफ उठाया था इस असेंबली में, मैं उस दिन की भी बात करना चाहता हूँ। खैर, मैंने उस दिन एक छोटी तकरीर की थी, उसके बाद जनाब की शफकत रही, थोड़ा अरसा जेल में गुजार किया है। तो मैं उससे ना, हाफिज साहब एहसान मंद हो, आपको प्रोडक्शन ऑर्डर पे लाए, आप तनकीद कर रहे हैं यार। मैं बेल पे आया हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं आया, वो अगली दफा इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिए ना, मैंने तो ऑनरेबल मेंबर्स को प्रोटेक्ट ही करना है ना। अच्छा, मिनट है, वांट टू नो क्या आपकी मेहरबानी जी। उस दिन एक काम बड़ा यहाँ मजाका खेज हुआ, फिर मुझे थोड़ी देर मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि ये वो कहते नहीं कि एक इंसान की सुन्नत होती है, उसने उस पर पूरा अमल किया है। जो शाफे हुसैन साहब ने एक दिन पहले साइन, अच्छा चले मोजिज रुकन ने, नाम नहीं लेते, मोजिज रुकन ने साइन कर दिए एमपीए बनने के, और हलफ नहीं उठाया था, हलफ उनने बाद में उठाया। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है। बाद में दोस्तों ने मुझे समझाया कि असल में इलेक्शन में जो रिजल्ट था ना, वो फॉर्म 47 इनको पहले मिल गया था और डब्बे बाद में भरे गए थे, तो इन्होंने उसी की सुन्नत पूरी करते हुए यहां भी वही काम किया। अब बात कर लेते हैं, जनाब ने बहुत लंबी तकरीर की, अब वो चले गए, बात उन सामने होती ज्यादा बेहतर थी। होस्ट को 15 मिनट के लिए बनाया जाता है। सर बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जो निगरान शाफे साहब ने, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि निगरान से पहले जो दो हुकूमतें थी वो चोर थी। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया होगा, एक की तो वो तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि एक हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी, हमने नहीं कहा, आपके मौजिस आपने आपके ही बेंचों पे बैठ के उन्होंने उनको कहा, मैंने नहीं कहा। मैं लोगों को बता रहा हूं कि दो हुकूमतें कौन कौन सी थी। अच्छा, दूसरी बात सर, गुजारिश यहां करनी है, बातें उन्होंने की, मैं नहीं चाहता था कि हकी खवातीन के मुतालिक यहां बातें हों। उन्होंने खान साहब की, हमारे लीडर की बहन का कहा जी उसकी अरबों रुपए की जायदाद पकड़ी गई, आपने उनको नहीं रोका सर। नहीं, मैंने एक्सपंज कर दी है। अच्छा सर, अनपार्लियामेंट, देखिए बात सुने, या तो ये तय कर लें, अगर आप ये चाहते हैं कि एक दूसरे की बेतौकीरी ना की जाए, तो इब्तदा और दूसरी तरफ से रिएक्शन दोनों साइड से, तो फिर लेट सेटल इट। आपने मैंने कह ऑल अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स विल बी एक्सपंज्ड, सो हम उनको स्क्रूटनाइज करेंगे और एक्सपंज कर देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपको इस चीज पे तकलीफ हो रही है। नहीं सर, हमें एक और भी बातों में तकलीफ हुई है, मैं सारी बातें यहाँ बारी बारी कर देता हूँ। जब इन्होंने बातें की, इमरान खान साहब पे बात करना बड़ा आसान है, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी बाहर क्रिकेट खेली, काउंटी क्रिकेट खेली और बाहर पैसा कमाया और पाकिस्तान लेके आया, यहां से नहीं किया कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पे, कर्ज उतारो इत्तेफाक फाउंडी संवारो, या कर्ज उतारो और शरीफ फैमिली संवारो मुहिम का आगाज किया हो। इमरान खान ने इस मुल्क में चोरी नहीं की, इमरान खान की कोई मनी ट्रेल आज तक ऐसी नहीं है जो वो ना दे सके, जो उसने बाहर पैसा कमाया उसकी भी एक एक मनी ट्रेल उसने दी। यहाँ लोग कहते थे मेरी तो लंदन क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, इस तरह के गोशवारे उठा के देख लें कहां से आ गई वो जायदादें। यहाँ लोग बातें करते थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कहां से प्रॉपर्टियां निकाल लाते हैं, और उन्हीं पे सजाएं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मकबूजा हाई कोर्ट है, उसी में से इमरान खान का फैसला आया है, इमरान खान और गुशा बेगम को की सजा माफ हो गई है। आज वो जज जिन्होंने इंसाफ देना है, वो खुद इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहे हैं। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि निजाम किस तरफ जा रहा है, हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जी बोले बोले, मैं जवाब दे लूंगा। बोले बोले डार साहब।
स्टॉक्स, आप हाफिज साहब अपनी बात जारी रखें, डॉट स्टॉक्स अभी, अब मैंने वक्त और नहीं बढ़ाना, डोंट वेस्ट द टाइम। अभी मोजेस रुकन सीखपा होते हुए फरमा रहे थे कि हमें इस मिट्टी ने जिससे यहां पहुंचाया है उसका कुछ लिहाज करना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं जनाबे वाला, आपको इस मुल्क की मिट्टी ने नहीं पहुंचाया, आपको फार्म 47 ने यहां पहुंचाया। आप इधर पहुंचने के काबिल नहीं थे, अवाम में जाने के काबिल नहीं थे। बात यहां आज कर रहे थे, मैं आज तकरीर करनी नहीं थी, मगर जब आप पर्सनल चीजों पे बात करेंगे, जब आप अटैक करेंगे उस शख्स पे जिसने जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, इन्होंने आज शौकत खान अस्पताल को टारगेट किया। सर उदारा सियासत को सियासत में रखें, वो एक ऐसा इदारा है जिसने इस मुल्क के गरीबों का 70% गरीबों का फ्री कैंसर का इलाज हो रहा है, उसमें आप इल्जाम लगा रहे हैं जिसका ऑडिट होता है, और आज तक दुश्मन क्या दोस्त क्या कोई बंदा उस पर करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सका। शौकत खानम अस्पताल इस मुल्क का दरख्शा सारा है, आने वाले आप दुनिया में पता कर लें क्या कहीं कैंसर का इलाज मुफ्त होता है। हम कह सकते हैं फखर से कि पाकिस्तान में होता है, और उस अस्पताल में होता है जो इमरान खान ने बनाया, जहां गरीब और अमीर का सेम इलाज होता है। आप उस इदारे को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने बात की आज आर्मी पब्लिक स्कूल की, सर क्या उस साने की बात करना बनती थी कि वो ऑफिस साहब आप ही ना करें, मैंने एक्सपेक्ट कर दिया, तो प्लीज अब कैरी ऑन। बात कर देते हैं ज्यादा अगर फिर सख्त हो जाएगी, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं सर, मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा, आपको भी सोचना पड़ेगा और उस साइड पे बैठे हुए उनको सोचना पड़ेगा कि जब आप एहतजाज के लिए निकले तो 780 के पर्चे हो जाए। जब आप एहतजाज के लिए निकले, आज मुझे अभी यहां बैठे हुए जब नमाज पढ़ने के पता चला जी कि वो जो हमारी खवातीन है उनकी बेलें होगी हैं 10 महीने बाद, अल्लाह अल्लाह करके लाहौर से बेलें होगी हैं, उसी तरीके 9 और 10 मई के पर्चों में आज मियां वाली के पर्चों में उनको ले जाया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? कोई कुछ सोचे आप? ये सिया दब्बा है, जमहूरियत के नाम पर भी दब्बा है। आमरियत में वो काम नहीं हुए जो जमहूरियत में आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं। स्पीकर साहब आपको सोचना पड़ेगा, आज मियां इस्लाम इकबाल असेंबली में नहीं आ सकता, मेंबर है इस असेंबली का, ये सोचना पड़ेगा। अहमद रशीद भट्टी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, वो बेल पे रिहा होके यहां आया है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए थे। आज हम इधर बैठे कल उधर बैठे होंगे। मैं आपको फिर रोकूंगा, आप स्पीकर को बीच में कह रहे हैं कि मेरी नाक के नीचे हो रहा है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं नंबर वन, और सेकेंडली आप ये कह, मैं तो आपको उतना ही ख्याल कर रहा हूं, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम गार्डिंग द ऑपोजिशन, मैं तो गार्ड कर रहा हूं। दूसरी बात सुन ले, जब तक अहमद रशीद भट्टी वो हाउस का ओथ ना ले लेते उस वक्त तक मैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दे सकता। तीसरी बात सुन ले कि जो आप बात कर रहे हैं, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं इस हाउस को एब्सोल्युटली रूल्स के मुताबिक चलाऊं। मेरे पास कुछ नौजवान मेरे कोलीग्स आते हैं, वो कहते हैं हम मुंह से जुमला निकालते थे तो हमें एक्सपेल कर दिया जाता था इस हाउस में एंटर होने से 15 दिन के लिए, ये होता था। तो मैंने कहा कम से कम मैं वो रवायात जारी नहीं रख सकता, मैं रूल्स के मुताबिक चला। चले सर, वैसे आप प्लीज काइंडली, और मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश और कोशिश है जो मैं एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग दिस हाउस ऑन दिस चेयर, I will run it with all democratic norms and by this book. Simple. मुझे इस हाउस की सेंक्टिटी, I have lived my life here. I am at this place since 2002. I have vouched for these rules. I have struggled for it. There are colleagues sitting on both sides. I have been on every step. I have been shouting for prevailing of this law, these rules. तो इस पर आप जरा, मेरी सिर्फ आपसे इतनी बात है, 14 दिन के लिए एक्सपेल कर दिए जाते थे। ऐसे ही तो सर, वो वैसे अच्छी बात थी कि एक्सपेल करते थे, ये नहीं करते थे कि 780 के पर्चों में 14 दिन के लिए जेल भिजवा दें, वो इससे बेहतर था सर। मेरी बात सुने, मैं हाफिज साहब आई एम नॉट द लॉ मिनिस्टर, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी जो बातचीत कर रहे हैं ना उसमें इतना ख्याल जरूर करें कि हम वी आर एक ही साइड पर बैठे लोग हैं। इसमें जो आपके साथ
9 मई के वाकयात पर मुकदमा दर्ज हुए हैं उस पर मैं एक राय रख सकता हूं, बट दिस चेयर इज होल्डिंग मी नॉट टू गिव इट, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी बात जो करें, मई की बात कर रहे हैं ना तो मैं आज उस पर भी बात कर लूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी एक दफा ही हो जाए। ये जो खैर अभी जिसमें 14 दिन के लिए जेल में गया हूं, 9 मई के पर्चे नहीं थे उनमें, सब में बेल थी, सिर्फ यहां तकरीर करने और जीपीओ के सामने प्रोटेस्ट करने पे मैं गया था, 9 मई में मेरी बेल थी। जो 9 मई की सर बात होती है यार, 1.5 साल आपका वजीर दाखिला बैठे रहे हैं, जिनके बारे में वो हकीम साहब का उनवान किसी खातून ने दिया था, वो हकीम साहब वजीर दाखिला बैठे थे 1.5 साल में, साल आप लोगों की हुकूमत रही वफाक में, तो आप लोग करते प्रोब, आप साल में 1 साल हो गया प्रोब नहीं कर सके, और उस वक्त वजीर दाखिला कौन था, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जिस दिन 9 मई का ईमानदारी से एहतसाब होगा तो पता चलेगा वो भी उसके बेनिफिशरी जो थे वही उसके असल में मुजरिम थे, जिनका जिनको उसका फायदा पहुंचा है। और मैं बिला मुबालगा कह सकता हूं कि राणा सनाउल्लाह उस वजीरे दाखला थे, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। किस तरह फर्ज था कंटोनमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पीटीआई का नहीं था ये इस्तेका के हो जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड करती, लोग एहतजाज करते हैं मगर एहतजाज के बाद वहां ऑर्डर की सूरत हाल किसने कंट्रोल करनी थी? उन आईजी साहब ने नहीं करनी थी या उन पुलिस वालों ने नहीं करनी थी जो डाकू बन के लोगों के घरों में रेड करते थे और घर के सफाया कर जाते थे? लोग यहां राणा आफ्ताब साहब बैठे हैं कहते मैं मेंबर बनाऊं, 2 दफा मेरे घर में चोरी हो गई है, पूछे यहां बैठे कि नहीं बैठे? गुजारिश ये कि सर ईमानदारी से हम कहते हैं 9 मई का भी एहतसाब कर लें, 9 मई का भी इंक्वायरी करें, बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, खान साहब ने पहले दिन कहा था जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये ना हो कि किसी रिटायर्ड जज को उठा के ले आए जिसके रिश्तेदारों को नवाजने के लिए, किसी को अटॉर्नी जनरल बना दी जाए, किसी को वजीर बना दी जाए, किसी को मुशीर बना दी जाए। आप करें हर चीज का एहतसाब हो, पाकिस्तान में आज तक हम बुद्धुरहमान कमीशन से लेकर आज तक कमीशन बनते रहे हैं मगर किसी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी, कभी हक और सच की बात सामने नहीं आई, कहीं से तो इब्तदा होनी है, किसी ने तो सच बोलना है, सच बोले और आवाम के सामने लाए कौन गलत है कौन सच्चा है। 9 मई की आड़ में आपने पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को रगड़ के रख दिया है। वाइंड अप करें सर, मैं बस इतनी आई एम जस्ट लेफ्ट विद 5 मिनट्स, आई वांट टू गिव दिस टाइम टू द मिनिस्टर टू वाइंड इट अप, आप वाइंड अप करें सर। मैं अपनी बात का इख्तिताम इन्हीं अशआर पे करूंगा, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बात का इख्तिताम इन्हीं अशआर पे करूंगा, आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो शिकवा होगा। शुक्रिया। मैंने आई हैव ट्राइड टू एट बेस्ट, कुछ स्पीचेस बीच में लंबी हो गई, आई हैड टू बैलेंस इट, मैंने इस तरफ भी 20 मिनट की तकरीर कराई, इस तरफ भी कराई, बाकी सब बिगे सब मेरी सुन ले, मेरी ख्वाहिश थी मैं आज आपको सुनता, ये हाउस आपको सुनता, बट माई वेरी सिंसियर अपोलॉजी सर, सुन ले, आई एम जस्ट लेफ्ट विद 5 मिनट्स, मेरी सुन तो ले, ऐसे ना करें ना, मैं आपके कंसेंट के साथ कर रहा हूं, बुलडोज नहीं करना चाह रहा, तो मेरी सिर्फ अब दरख्वास्त है कि मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स आफ्टर दिस जनरल डिस्कशन ऑन प्राइस हाइक ऑन लॉ